स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो अपन देखते हैं। क्या लिखा है? इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल काहे पे है, वह बी पे है, मतलब अपने को एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब अपन एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं तो अपन देखेंगे इन लोगों ने बोला है कि एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी और जो राइट एंगल में बनाना है वो क्या, कौन से एंगल में बनाना है? बी एंगल में, मतलब एबीसी ट्रायंगल बनाया और एंगल बी को क्या बनाया अपने 90 डिग्री। अब इन लोगों ने आगे क्या बोला, ए बी जो है वह कितना है 24 सेंटीमीटर, मतलब जो ए बी की जो लेंथ दी है वह 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की जो लेंथ दी है वह कितनी दी है अपने को 7 सेंटीमीटर। ओके, अब अपन देखेंगे यहाँ पर अपने को यहाँ पर 24 सेंटीमीटर ए बी दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, पर अपने को ए सी नहीं दिया है यहाँ पर। तो ये अपना परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो मतलब अपन ने यहाँ पर ये देखा कि अपने को हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कंसेप्ट करेंगे तो हमेशा अपने पास तीनों वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, पर क्या नहीं दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूज काय से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना, परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ओके, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 576 प्लस 49 कितना होता है 625। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट 625। तो हाइपोटेन्यूज जो आई वो क्या आई 25। तो ओके, तो हाइपोटेन्यूज जो अपनी आई है वह कितनी आई है 25। जब भी आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपके पास तीनों वैल्यू होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर अपन ने हाइपोटेन्यूज फाइंड करा तो हाइपोटेन्यूज जो आया वह कितना आया अपना 25 आया। अब अपन देखेंगे अपने को इसमें क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अपन जो फाइंड करेंगे वह फाइंड करेंगे साइन ए की वैल्यू। अब देखिए साइन ए अपन ने देखा डायग्राम वाला कंसेप्ट है ये, तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था जब भी अपन डायग्राम वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होता है वह कौन सा यूज होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला। तो मतलब जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो साइन ए इक्वल टू पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखिएगा ये किस वाले एंगल से निकालना है, ए वाले एंगल से। तो जब भी जिस भी एंगल से बोले उस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे ए वाले के सामने परपेंडिकुलर क्या है अपना 7 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही की वही रहता है, पर जिस भी एंगल के बारे में बात करते हैं उस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। अब अपन बात करते हैं सेकंड जो निकालना है वो अपने को निकालना है कॉस ए की वैल्यू। सबसे पहले तो आप कॉस का फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको देखना है किस वाले एंगल से निकालना है, ए वाले एंगल से। ए वाले एंगल से निकालना है तो ए वाले एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा 24। तो बेस होगा आपका 24 और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी 25। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिस भी एंगल के सामने से निकालने का बोले उस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। और अपन बात करेंगे अब थर्ड वाले की, थर्ड वाला अपने को क्या निकालना है साइन सी की वैल्यू। तो आप देखेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर किस वाले एंगल से निकालना है सी वाले एंगल से। तो सी वाले एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना 24 और हाइपोटेन्यूज कितना 25, तो 24 अपॉन 25। अब हम बात करेंगे फोर्थ वाले की, तो क्या लिखा है कॉस सी की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किस वाले एंगल से निकालना है सी वाले, तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या रहेगा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 7 अपॉन 25। यह क्वेश्चन अपना फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है यहाँ पर।